आज मैं गाजीपुर जिले के दकोटा ग्लोबल स्कूल में पहुंचा हुआ हूं। यहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजने को हैं और कार्यक्रम चलता रहा, कार्यक्रमों की झड़ी लगी रही। आज मैं यहां पे ऑफिस में मिस पुनीता सिंह जी के पास में बैठा हुआ हूं और ये जो है प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल मैम हैं। मैम, सबसे पहले आपको जय घोष चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम का संयोजन कौन कराता है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, मैं देखता हूं कि ये जो जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं और विगत 2 साल हुआ होगा, अभी तीसरा सत्र है और 3 सालों में ओवर एडमिशन आपके यहाँ हो गए हैं और संसाधन की कमी के बाद भी आपने संसाधन पूरा किया है। ऐसा कौन सा रीजन है कि यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं? पहली बात तो सर देखिए, कहते हैं ना कि अगर आप अच्छी क्वालिटी देंगे जी जी। तो बच्चे क्या मतलब, देखिए आज के समय में क्या है कि हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में बाहर की है, हरियाणा दिल्ली में रह के हम चाहते कि मैं गांव में रह के आज एक सपना है कि बच्चे अच्छी शिक्षा ले और उस चीज पे जाए जो उनका एक सपना है। देखिए हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा हमारा कुछ ना कुछ करे, तो इस सपने के लिए मैं यहाँ गाँव पे आई और मैंने ये सोचा है कि हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर या जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो बने और उसमें मेरा उनका पूरा सहयोग रहेगा। मैडम, पहले तो आपका रेजिडेंस जो है हरियाणा में हुआ करता था, फैमिली आप रहती थी और सुजीत यादव जी कोचिंग या शिक्षण संस्थान अकेडमी से जुड़े हुए थे। ऐसी जरूरत कौन सी पड़ी कि आप गांव में रूरल एरिया में आकर के शिक्षा की अलग जगह आ रही हैं? हमारा सर, मेरा और सुजीत जी का सपना था जी। और हमारे जो माता जी और बाबू जी है उनका एक सपना था कि हमने यहाँ एक स्कूल खोला है गांव में जी जी। तो उसको कोई चला सके जी जी। तो इस माध्यम से हमने सोचा कि अगर वो चीज हमने वहाँ की जो हरियाणा दिल्ली में, तो क्यों ना हम गांव में आके कर सके। देखिए गांव में मतलब हर बच्चे को और हर माँ बाप को जो एक सुविधा चाहिए वो चीज उनको नहीं मिल पाती है, तो हमने इसी चीज को लेकर यहाँ पर हम आए और हमने सोचा है कि बच्चों को एक होता है कि दिल्ली देहरादून वो चीज है, तो दिल्ली देहरादून राजस्थान में जाके उनको यहाँ पे जो हम दे पाएंगे वो चीज उनके लिए हम कर पाए। मैडम, स्पेशल अदर देन है क्या आपने? देखिए क्वालिटी है जिससे हमारे बाहर के टीचर्स जो हैं, अच्छा हमने वहाँ के टीचर्स अपने बाहर के लाए हैं, चंडीगढ़ के हैं, देहरादून के भी हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, हर जगह के टीचर्स हमारे हैं जो यहाँ पे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी जी। और मेरा पूरा सब मकसद है कि बच्चे, देखिए जो बच्चों से आप खुद पूछिएगा कि बच्चे खुद बताएंगे पहले में और अब में उनको कितना फर्क नजर आ रहा है, तो वो चीज हमने चाहते हैं कि हम बच्चों को वो ऐसी शिक्षा दे सके कि जो बच्चे जैसे 12वीं तक जाते जाते कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाए। ये तो 12वीं के बाद भी अगर बच्चा पढ़ाई करता है तो ये होता है कि 2 साल 3 साल 5 साल लगता है वो बच्चा ये तैयारी करेगा तब जाके कुछ से कुछ बनेगा। मैडम, बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी कराते हैं क्या? जी अच्छा जी बिल्कुल, मतलब ये कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं। हाँ हाँ, अब ऐसा है कि जैसे हमने, मैं हर जगह जाती हूँ हर गांव में, कुछ माँ बाप की स्थिति ऐसी है कि जिनको मतलब माँ बाप सक्षम नहीं है बच्चों को पढ़ाने में, हमने सोचा है कि वो चीज को देखते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं ऐसी टैलेंट है, बस क्या है कि उनको वो सुविधा मिल नहीं पा रही है, उनकी स्थिति खराब है, उनकी स्थिति को देखते हुए हमने ये सोचा है कि उन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। ऐसे हमने 30-40 बच्चों के लिए गोद ले रखा है जिनकी दैनिक स्थिति बहुत खराब है। मैडम, सुना है कि आपके यहाँ फीस हाई फाई है, तो ये गरीब अभिभावकों के बच्चे कैसे पढ़ पाते हैं? नहीं नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये गलत है जो लोग ये कहते हैं या आपको ये चीज बताया गया है कि हाई फाई फीस होती है, हमारी कोई हाई फाई फीस नहीं है सर। अच्छा, और आप देख सकते हैं हमारा स्कूल क्या अन्य विद्यालयों से जो सीबीएसई पैटर्न में चलते हैं उनसे आपका फीस कम है क्या? जी बिल्कुल कम है। आप ये बताइए कि 600, 700, 800 की फीस क्या होती है? आप ये उसको सोचिए चीज को जी, कि नर्सरी से लेकर 10 तक के बच्चों की हमारी जो फीस है 1000, 1100 यूं करके ऐसे है सारी चीजें, तो आप मतलब देख सकते हैं। हम मानते हैं कि भाई सुविधा, ये जो पेरेंट्स आते हैं बच्चे भी सोचते हैं कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो, कुछ कमियां है उस कमी को हम लोग और अच्छा पूरा करेंगे, पर जो ये कहा जा रहा है कि फीस बहुत ज्यादा लगती है ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, जैसे कुछ गरीब बच्चे हैं या अभिभावक हैं वो सोच रहे हैं कि मेरा भी बच्चा कोटा ग्लोबल में पढ़े, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? उसके लिए व्यवस्था है सर, जैसे जो माँ बाप से आते हैं हमसे मिलते कि मैडम हम
बच्चों को पढ़ाने का तो हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद है कि हम पढ़ाएं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी स्थिति खराब है, तो उन बच्चों को भी हमने सर फ्री में पढ़ाया है, उन बच्चों को भी हमने फ्री में किया है कि वो बच्चे आके पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो फीस नहीं दे सकते हैं तो हम अपने धनराशि से जी कोटे से वो चीज करेंगे बच्चों के लिए। ऐसा नहीं, आप किसी भी बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं और उन्होंने देखा है कि नहीं मैडम ये चीज कर रही है, इसमें कहते ना कि बड़ी बात मैं नहीं कह सकती। अच्छा। जी मैडम, ये जो आपका क्लास वाइज जो टीचिंग होती है, इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज आप एक्स्ट्रा में देती हैं? जी बिल्कुल, जैसे होता है कि क्लास जैसे होता हो हमारी खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा क्लास हम बच्चों को देते हैं। अच्छा, अच्छा। जी एक डेढ़ घंटे पर डे। अच्छा अच्छा, अच्छा। लेकिन कुछ लोगों को ये होगा कि नहीं मैडम ऐसा होता नहीं है, बीच में हुआ था फिर आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं था। जी जी जी, क्योंकि सभी पेरेंट्स से जब हमने बात की, बच्चों से भी बात की कि जो बच्चे आना चाह सकते हैं वो आके यहाँ पढ़ ले, चार से छह जो बच्चे आ सकते हैं अपने साधन से आके वो चीज यहाँ। तो उसमें केवल सब्जेक्ट से संबंधित है कि अदर कुछ? नहीं, जैसे जो हमारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, बच्चों का जो सिलेबस है, उसके अलावा जैसे कि हम सिक्स क्लास से ही बच्चों को क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के भी टॉपिक जो तैयारी वो भी करा रहे हैं कि बच्चा नाइन टेंथ जाते जाते उस सिलेबस को कंप्लीट कर ले, ताकि जब वो नाइन टेंथ में जाए तो उसको वो चीज दिक्कत ना हो पाए। ये इंग्लिश मीडियम है तो सारा कुछ इंग्लिश मीडियम में ही चलता है? बिल्कुल। मेन देखिए सर, जो गांव के बच्चे हैं, जब कोरोना काल आया था उस समय क्या था कि बच्चे घर पे थे, मतलब ये था कि वहाँ के ऐसे माहौल उसमें कोरोना काल का हो गया था कि कुछ बच्चे पढ़ पाए, कुछ बच्चों का ऐसा हो गया था कि खत्म हो गया था बिल्कुल। लेकिन अब बच्चों में इतना सुधार आ गया कि ये चीज मैं खुद देखती हूँ, हमारे गांव के बच्चे मतलब इंग्लिश में बोलना, घर का देखिए जो माहौल क्या है वो हमें नहीं पता, जबकि हम बच्चों से पेरेंट्स से भी कहते हैं सर आपका क्या घर का माहौल वो अलग बात है, पर आप उस माहौल में रह के बच्चों को ना बिगाड़े, क्योंकि हमने देखा है कि छोटे से लेके बड़े बच्चे इंग्लिश में बात करना सब कुछ करना सीख रहे हैं। जी जी बिल्कुल। मैडम जो है अभी दो साल का जो परफॉर्मेंस है बच्चों का संतोषजनक है? बिल्कुल संतोषजनक है और पेरेंट्स इससे संतुष्ट हैं। शुरू में पेरेंट्स को लगा था कि मैडम ये चीज थोड़ी सी होता है, सब जब नया स्कूल होता है तो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ चीजें नहीं हो पाती हैं, इस चीज को स्वीकार हम करते हैं, लेकिन अब वो चीजें धीरे धीरे हम उस चीज को खत्म कर रहे हैं। जी मैडम, ये है कि जैसे कोरोना पीरियड के बाद आपको माकूल अवसर मिला और यहाँ सेवा करने का आपको अवसर मिला, दोनों लोग पति पत्नी तो ये बताइए कि आपका स्कूल सुबह कितने बजे खुलता है, कब क्लोज होता है, कब ओपन होता है? सर ऐसा है कि सुबह 8 बजे से बच्चे आ जाते हैं, साढ़े 10 बजे इसके बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो ये एनुअल फंक्शन होता है? हाँ एनुअल फंक्शन होता है। इसके अलावा कितने फंक्शन होते हैं? फंक्शन की क्या है कि जैसे अपना कोई स्पोर्ट्स डे है अपने बच्चों का, स्पोर्ट्स का हम लोग कोई प्रोग्राम कराते हैं वो हम बच्चे करते हैं हमारा, या फिर किसी अन्य स्कूल में जैसे जो प्रोग्राम होते हैं तो हर स्कूल से बच्चों को मतलब होता है कि उन बच्चों को जो चुनिंदा बच्चे हैं उनको लिए जाते हैं, वो तो बच्चे हमारे जाकर प्रोग्राम करते हैं। मतलब आपको बाय नेम बाय फेस लोग पहचानते हैं, क्या वजह है? ये मैं कहती हूँ सर कि ये पेरेंट्स का हमारे मतलब उनका जो एक प्यार है, उनका जो एक भरोसा है, मैं उस भरोसे को सोचती हूँ कि अगर शायद मैं भी खड़ी उतरी हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये जो पेरेंट्स मुझे इतना प्यार सम्मान प्यार देते हैं, खासकर महिलाएं जो है हर पेरेंट्स आते हैं तो मतलब बच्चों की जुबान मैं ये चीज अपने आप को ये नहीं करी कि मैं बहुत बड़ी वो चीज हूँ, लेकिन मैंने ये चीज देखा है कि जो एक पेरेंट्स का भरोसा मेरे ऊपर है ना, उन भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगी सर, बिल्कुल नहीं। चलिए मैडम, एक बात आप भूल रही हैं, आप डोर टू डोर आप सेशन में भी जाती हैं, ओपन सेशन में भी जाती हैं, ये वजह है कि आपको लोग बाय नेम बाय फेस पहचानते हैं। मैं देखा, मैंने देखा है गांव में घूमते हुए, मैं हर गांव में गई हूँ, एक एक घर में गई हूँ, एक एक बच्चों से मिली, एक एक पेरेंट्स से मिली हूँ, तो शायद आज उसी का नतीजा है कि मुझे पेरेंट्स जान रहे हैं। जी जी। और कहते हैं सर कि मतलब माँ बाप हो या कोई भी पेरेंट्स हो या बच्चे हो, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, अगर आप शक्ति से कोई चीज करेंगे ना तो वो चीज नहीं होगी, अगर आप उस चीज को प्यार से अगर करेंगे ना तो उस चीज को बच्चे समझते हैं। तो मैंने बच्चों को कहते कि प्रिंसिपल का पद एक अलग चीज होता है, पर एक आपके यहाँ की टीचिंग स्टाइल क्या है, टीचरों को क्या कैसे टीच कराने के लिए बोलती है? मैं टीचरों को तो यही कहती हूँ कि देखिए आप जो भी पढ़ा रही हैं, जितना पढ़ा रही हैं उसको इतने सलीके से इतने अच्छे तरीके से पढ़ाइए कि वो चीज बच्चों को समझ में आए। हाँ, बच्चों को आप डांट मार के नहीं समझा सकते सर, आप प्यार से उनको ऐसा समझाइए कि बच्चे वो चीज सीखेंगे। अगर आप डांटने मारने लगेंगे ना तो बच्चे आपसे दूर भागेंगे। शिक्षा के साथ खेल वगैरह भी कराते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। बच्चों को जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, बच्चे खेलते हैं। जी तो मैडम ये बताइए कि आपके ससुर जी भी टीचर रहे हैं, माता जी तो पूरे परिवार के टीचर हैं,
उन्होंने पढ़ाया है सबको और सबको यहाँ तक लाया है, तो उनका श्रेय है। बिल्कुल। तो क्या इस स्कूल पीरियड में भी लोगों का सहयोग रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कहती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं हूँ या सुजीत जी है, अपने सास ससुर की वजह से ही, क्योंकि शिक्षा के साथ नैतिकता की भी शिक्षा यहाँ देखिए नैतिक पतन हो रहा है। जी बिल्कुल हो रहा है। टीचर हो चाहे मैनेजर हो चाहे स्टूडेंट्स हो, सब में नैतिकता का अभाव हो रहा है और नैतिकता का ह्रास हुआ है, गिर रहा है। इसके बारे में आप लोग सीरियस हैं कि नहीं? बिल्कुल। मैंने अपने टीचरों से एक चीज यही कहा है कि देखिए आप पढ़ाई कराइए ठीक है, लेकिन साथ साथ बच्चों के अंदर संस्कार भी होने चाहिए। अगर बच्चे संस्कार भूल जा रहे हैं ना, तो ये गलत चीज है। और मैंने खासकर मैं पेरेंट्स से भी जब मिलती तो मैं खुद उनको कहती हूँ कि सर आपके घर का क्या माहौल है, आप उसको बदलिए। देखिए बच्चा जैसा माहौल देखेगा, जिस चीज को देखेगा वैसे अपने आप को करेगा। हमारे तो देखिए 6 या 7 घंटे बच्चा रहेगा, बाकी दिन तो बच्चा आपके साथ रह रहा है ना घर पे, उस माहौल को देख रहा है वो क्या कर रहा है। तो मैं मैडम लोग को खुद कह रखी हूँ कि मैडम आप बच्चों में मैनर्स सिखाइए, चाहे वो बड़े बच्चे हो या छोटे बच्चे हो। और जो बच्चे अगर बिल्कुल नहीं सुनते हैं या होता है ना कि बहुत मतलब कि कोई हमारा क्या कर लेगा या हम ये मतलब अपनी मैनर्स को भूल जाते हैं, तो मैं उनको तुरंत कार्रवाई करती हूँ। मैडम ये इंग्लिश मीडियम है तो ऐसा तो नहीं कि हिंदी की उपेक्षा आपके यहाँ इस तरह से इंग्लिश को ही? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम कहते सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है वो होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ हम कह रहे हैं कि इंग्लिश भी बच्चे हो या टीचर्स हो, हम लोग अपने में आपस में भी बात करते हैं ये चीजें। अब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, उनको सिखाया जा रहा है वो कर रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है। अंतिम प्रश्न, ये बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में 15 अगस्त है और 15 अगस्त क्या संदेश लेके आता है आप लोग अपने स्तर से, क्या बच्चों को संदेश देते हैं? मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि आज जो बच्चों ने प्रस्तुति दी है इस चीज को देखते हुए बड़ा ही अच्छा लगा है, बच्चों में जो उत्साह था उमंग था। और मैं यही कहूंगी कि देखिए हमारे देश को आजाद करने में मतलब बहुत से वीरों का बहुत ही उनका सहयोग रहा है, उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं उनको, कि आज जो हमारा जो देश आजाद हुआ है आज उनकी वजह से हुआ है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहती हूँ स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस ये होता है कि आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ है और बच्चों में वो जो होता है जो उत्साह के साथ आगे वो जाए आगे बढ़े, अपने माँ बाप का अपने देश का अपने समाज का अपने गाँव का नाम वो रोशन करें। जी बहुत अच्छा। अभी हमने पुनीता सिंह प्रिंसिपल द कोटा ग्लोबल स्कूल से बात कर रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई हैं।